हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं बैक लुक, क्योंकि मैं ऐसे तो दिखा नहीं पाती हूँ, तो आप ऐसे ही देख लीजिए। तो आज मैं फिर से जा रही हूँ, मतलब आप समझ गए होंगे देख के। तो मैं फिर से जा रही हूँ, यही पड़ोस में शादी हुई थी, तो वहाँ पे आज नई दुल्हन की मुँह दिखाई है और पूजा भी है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं सब लेडीज मोहल्ले की। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आज मैंने ये साड़ी जो है, बस ऐसे ही काम आती है ये मेरी साड़ियाँ जो होती हैं, वो दो चार शादियाँ वादियाँ हुई तो एक आध दो बार पहन लेती हूँ और फिर इसके बाद ऐसे रखी रहती हैं। तो ये होता है मेरा। तो आज मैं पहली बार पहन रही हूँ, तो इसका अभी ये रेडी भी नहीं हुई है, ये ब्लाउज दूसरा है इसका, नहीं है, मैच कर रहा था इसलिए पहन लिया। ये दूसरे साड़ी का ब्लाउज है, इसका ब्लाउज जो है वो इस कलर का है, तो इसमें ये मैच कर रहा था और रखा हुआ था, मैच कर गया और फॉल वॉल कुछ नहीं है अभी, और यही बगल में जाना है इसलिए मैंने पहन ली, इतना वो नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे, लगाएंगे फॉल तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो एक बार पहन लिया। और इसके बाद वैसे भी मुझे साड़ियाँ कम पहनती हूँ तो वो रखी रहती हैं, तो फिर देखते हैं उसका क्या करना है। रखी रहेगी तो रखी रहेगी। तो फिर चलते हैं, अभी चाची एक बार बुला के गई हैं और सब लेडीज जो है इकट्ठा हो चुकी हैं, तो मुझे चलना होगा, मेरा ही इंतजार हो रहा है। और अगर जब वो वीडियो देखेंगी ना, तो वो कहेंगी कि देखो मैं चिल्ला रही थी और ये वीडियो बना रही थी, क्योंकि वो देखती हैं। तो इसलिए मैं जा रही हूँ, और अभी तो खैर शादी का काम है तो ना देख पाएंगे, तो चलते हैं और बताइएगा आप लोग। और आज का जो ब्लॉग है, जो होगा, अभी संयोग नहीं आया, उसी का इंतजार कर रही हूँ। तो आज मैंने बहुत बहुत जो है, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी आज मेरे ऊपर आफत आई थी, और वो मैं जैसे तैसे करके टली है, अब देखते हैं। तो वो आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। मैं अभी अगर बात करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे भी जाना है, तो बहुत जो एक वो आगे मैंने एडिट कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे सांभर मसाला घर पे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा सामान जो है, सामग्री जो बनेगी उसमें डलेगी वो सब मैंने इकट्ठी कर ली हुई है। तो ये देखिए, इसमें धनिया जो है, खड़ा धनिया ले ली है मैंने, और मेथी है, जीरा है, और करी पत्ता है, चने की दाल और उड़द की दाल। तो आपके पास बगैर छिलके वाली उड़द की दाल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये काली मिर्ची है और हल्दी है। तो इतनी सामग्री जो है हमें लेनी है, और हींग और लाल मिर्ची, खड़ी लाल मिर्ची और काली सरसों, इतनी चीज़ें लगेंगी हमें। तो बस हम ये सब चीज़ें भून लेंगे। तो सबसे पहले मैंने धनिया डाल दिया है, तो धनिया को हम भून लेंगे, और इसके साथ फिर हम बाद में साथ में ही जीरा डाल देंगे, क्योंकि जीरा और धनिया, थोड़ा सा जीरा को भी कम टाइम लगता है, तो मैंने साथ में ही डाल दिया था। अब मैं मेथी डाल दूंगी और मेथी को भूनूंगी। मेथी को थोड़ा सा टाइम लगता है, धनिया को कम टाइम लगता है, तो मेथी भून लूँगी। और मेथी के साथ मैं जैसे कि काली सरसों है, तो वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। बाद में जब मेथी भून जाएगी तो थोड़ा सा भूनने को रह जाएगी, तो काली सरसों डाल दूंगी, तो काली सरसों को भी टाइम नहीं लगता है, तो वो भी भून जाएगी। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें भून लेनी है। और भूनने में तो ये देखिए, मैंने इसी में जीरा भी डाल दिया है और काली सरसों डाल दी है और ये मेथी, ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ भून ली है। तो जब ये बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी आपके किचन में, तो समझ जाइएगा कि ये हमारे मसाले जो हैं वो भून चुके हैं। तो ये मैं इसी में डाल दूँगी। और इसके बाद हम भूनेंगे चना दाल और उड़द दाल, ये दोनों दालें हमें भून लेनी है। तो इनको भी हमें अच्छे से भून लेना है और ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। तो ये सब हम भून लेंगे, और इसको ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये जल्दी जल जाएगी, और सिम आँच पे ही भूनना है इनको। तो ये भी भून चुकी हैं और ये मैं इसी में डाल दूँगी। और इसके बाद मैं मिर्ची डाल दूँगी और
जो हमने करी पत्ता रखा हुआ था वो भी डाल दूंगी। तो इनको भी भूनना है हमें। तो ये करी पत्ता जो है मैंने ज़्यादा डाल लिया था, थोड़ा सा कम कर लिया है, आप अपने उसके अकॉर्डिंग डालें। वैसे ज़्यादा और कम में कुछ नहीं होता है, अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और ये देखिए इसको भी हम भून लेंगे। तो ये इतना भूनना है हमें कि बिल्कुल हाथ से ऐसे तोड़ेंगे हम तो ये बिल्कुल से टूट जाए। ये पत्ता जो है करी पत्ता, इसको ऐसे भूनना है। तो हम आराम आराम से इसे आँच पे बढ़िया भून लेंगे, तेज़ आँच कर देंगे तो ये जल जाएगा और भुनेगा भी नहीं। तो ये देखिए मैं अभी चेक कर रही थी, तो अभी ये थोड़ा सा गीला है तो इसको हम और भुनेंगे और फिर इसके बाद हम इसको भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए आप हमारे सारे मसाले जो हैं भुन चुके हैं। और ये देखिए तो मैंने इसमें डाल दिए हैं और मिक्सर जार में। तो बस अब इसको हम डाल देंगे ये सब जो हमने मिर्ची और ये पत्ती करी पत्ता जो है भुना था तो ये भी डाल देंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे सूख गया है जैसे कि बिल्कुल आपने धूप में सुखाया हो, और आप ऐसे हाथ से मसल देंगे तो पूरी तरीके से पिस जाएगा, ऐसा भुन जाता है। और इसमें हम डाल देंगे हींग, और हींग डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और बस अब हम इसको पीस देंगे। तो बस और बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ये अपने घर पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब मैंने इसको पीसा और खोला तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और आप चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्ची जो होती है वो डालें। इस वाली जो मैंने मिर्ची डाली थी ना तो ये तीखी होती है तो मैंने कम डाल दी थी। और आप चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्ची आती है सूखी वाली जो लाल, वो डालें तो उसमें तीखा भी कम होगा और कलर भी जो थोड़ा सा लाल रेडिश हो जाएगी ये। और आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, और खाने में तो टेस्टी है ही। मैंने इसके बाद सांभर बनाई थी और अपना यही मसाला यूज़ किया था तो बहुत ही टेस्टी बना था मेरा सांभर, जो आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ ये मसाला शेयर किया है। बाय बाय।